नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे जालौन जिले में अधिकारी और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपमान करते जल जीवन निगम, गंगे और हर घर जल के तहत बनाई जा रही उसी बिल्डिंग पर लगे राष्ट्रीय ध्वज के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। जहाँ एक तरफ पूरा देश राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मधोगढ़ तहसील क्षेत्र के जमनपुर से आगे पचनदा धाम के पहले बन रही हरगढ़ जल नमामि गंगे की बिल्डिंग पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, लेकिन उसके पास लगे दो राष्ट्रीय ध्वजों के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। इस पर ना तो किसी ने ध्यान दिया और ना ही किसी ने क्षेत्र में दोनों ही ध्वजों को बदलने की कोशिश की। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गौतम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। जालौन जिले में बहर क्षेत्र की तस्वीर तो बदल रही है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही है। एक तरफ देखिए कि ध्वज जो कि रोहण किया गया है, उसके ध्वज के नीचे देखिए ये जो तिरंगा दूसरा लगा हुआ है वो चीथड़े चीथड़े हो चुके हैं उसके। दूसरी तरफ भी बिल्डिंग पे मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ भी देखिए ये राष्ट्रीय ध्वज है जिसे देश सम्मान के तहत आज आन बान शान के तहत आज ये स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन ये जो ध्वज है पूरी तरीके से इनके चीथड़े चीथड़े उड़ चुके हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैं दिखाना फिर से चाहूँगा, देख सकते हैं जो ध्वज ऊपर जो ध्वज लगाया गया है, रोहण किया गया है, उसकी स्थिति क्या है। इसके बाद उसके नीचे एक ध्वज लगा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है। दूसरी तरफ भी बिल्डिंग पर देखिए ये जो नमामि गंगे की जो बिल्डिंग बनाई जा रही, ये जगमनपुर गाँव के पास पचनदा धाम के नज़दीक बनाई जा रही है। जालौन जिले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जो कि करते दिखाई दे रहे ये जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही नमामि गंगे की। मेरे साथ यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे रोहण किया गया है और ये जो ध्वज लगे हुए हैं जो पूरे तरीके से चीथड़े चीथड़े उड़ चुके हैं, इन पर क्या अधिकारी कभी आए हैं यहाँ या नहीं आए? क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? साहब यहाँ नहीं भाई, साहब लोगों का बात। तो आपका क्या नाम है? साहब लोगों की बात अलग है भाई, आप बताइए आपका नाम क्या? तो ऐसे ही आदमी। साहब क्या, साहब का क्या नाम है? साहब का बहुत से साहब हैं। कौन से साहब रहते हैं यहाँ पे? हाँ, शैलेश साहब। शैलेश साहब रहते हैं, क्या करते हैं वो? अच्छा, उनके द्वारा आज रोहण किसके द्वारा किया गया? तो अमीन टांग दिया था ऐसे, यहाँ कोई नहीं आया कंपनी से। अच्छा, टांग दिया केवल यहाँ। अच्छा, तो आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और बगल से जो तिरंगा लगा हुआ है पूरी तरीके से फटा हुआ है, क्या कहेंगे? तो सर उसमें हम क्या कहते हैं, तो 5 साल का है ना। अच्छा, देखिए ये जो कर्मचारी हैं वो बताने से डर रहे हैं क्योंकि कहीं अधिकारियों के ऊपर लगाम न कस दी जाए। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसका अपमान पूरी तरीके से, मैं यहाँ से फिर से दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका अपमान किया जा रहा। ये नमामि गंगे की जो बिल्डिंग बनाई जा रही, यहाँ ना कोई कर्मचारी आया और ना यहाँ पर कोई अधिकारी आया जिसने यहाँ झंडारोहण किया हो। यहाँ जो कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ही लगा दिया था। देखिए कितना बड़ा अपमान आन वान शान देश की, उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ देख सकते हैं आप। ये जनपद जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के जगमनपुर से निकले हुए पचनदा धाम जाने वाले रास्ते पर बन रहा जो फिल्ट्रेंस यानी नमामि गंगे की जो नई बिल्डिंग, उसमें ये अपमान किया जा रहा। न्यूज बर्ड के लिए कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट।